Hello, dear students. Today we are starting a new topic that is a resist style of printing. What is this resist style of printing? As you have studied in your previous semester, third semester, that we have uh, studied about the various styles of printing. So, what is the principle of this resist style of printing? As

कि जब हम हमें एक रजिस्ट प्रिंट बनाना है तो प्रिंट का मीनिंग क्या हुआ लोकलाइज एरिया एक पर्टिकुलर डिज़ाइन एरिया में हमें कलर नहीं चाहिए बाकी सारे फैब्रिक के ऊपर कलर हमें चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं इसमें उस पर्टिकुलर एरिया में कलर ना आए इसके लिए वहाँ पर हम उसको मैकेनिकली या केमिकली कोई मैकेनिकल मेथड यूज़ करके या केमिकल यूज़ करके उस एरिया में अगर हम वो केमिकल पहुंचा दें तो जब हम पूरे फैब्रिक को डाई करेंगे तो उस एरिया में डाई अप्लाई नहीं होगी मींस उस एरिया में वो डाई एप्लीकेशन रेजिस्ट हो जाएगा सो दैट विल गिव अस ए रजिस्ट प्रिंट मीन्स क्या होगा पूरे फैब्रिक ग्राउंड जो है वो आपका डाई हो जाएगा जबकि जो डिज़ाइन एरिया है वहाँ वो कलर अप्लाई नहीं होगा रेजिस्टिंग हो जाएगा उसका सो दैट विल गिव अस ए प्रिंट ओके व्हेन देयर विल बी नो कलर मींस ग्राउंड विल बी वाइट सॉरी प्रिंट एरिया विल बी वाइट सो डिज़ाइन एरिया वाइट हो गया इट मींस क्या हुआ हमें क्या इंप्रेशन मिलेगा हमें कैसा फैब्रिक मिलेगा एक वाइट प्रिंट मिल जाएगा हमें डाइड फैब्रिक के ऊपर सो दिस इज दिस टाइप ऑफ प्रिंट इज मेड बाय रजिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग एंड इसी को हम रजिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग बोलते हैं तो अब हम अगर हम केमिकली बात करें केमिकली रजिस्ट करना है तो uh, कौन सा केमिकल रजिस्टिंग एजेंट का काम करेगा व्हिच केमिकल विल एक्ट एज रजिस्टिंग एजेंट तो ये आपको आगे बताया हुआ है सो रजिस्टिंग एजेंट क्या है एनी केमिकल च क्रिएट्स कंडीशन ओपोजिट टू दंडीशन सुटेबल फॉर एप्लीकेशन और फिक्सेशन ऑफ द ग्राउंड डाई विट एज रजिस्टिंग एजेंट फॉर दैट ग्राउंड डाई फॉर एग्जाम्पल अब इसमें क्या बोला गया है क्या लिखा है इसमें कि जो ग्राउंड की डाई है वो कोई भी डाई हो सकती है डायरेक्ट एक्टिव वेट सल्फर कोई भी ठीक है जो ग्राउंड के ऊपर हमने डाई करनी है उसके लिए कोई केमिकल कंडीशन हमें चाहिए होती है जैसे मानो एसिडिक कंडीशन या एल्कलाइन कंडीशन तो जो भी कंडीशन चाहिए नॉर्मली दो ही कंडीशन होती हैं एसिडिक और एल्कलाइन ठीक है ना तो उनमें से जिस कंडीशन में वो डाई अप्लाई होती है ग्राउंड की डाई तो अगर हम उसका अपोजिट केमिकल उसका अपोजिट केमिकल कि हम अगर पेस्ट बना लें और उसको डिज़ाइन एरिया में लगा दें प्रिंट कर दें तो क्या होगा जब हम ग्राउंड की डाई को अप्लाई करेंगे तो उस एरिया में वो डाई अप्लाई नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर अपोजिट कंडीशन है अपोज़िट कंडीशन होने के कारण डिज़ाइन एरिया में वो डाई अप्लाई नहीं होगी सो फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें बताया हुआ है

एल्कलाइन कंडीशन में होता है हम सोडाइश लेते हैं उसमें तो अगर हम एक ऐसी पेस्ट बना लें जिसमें एसिड हो या एसिड लिबरेटिंग एजेंट हो और उससे हम पहले प्रिंट कर लें फैब्रिक को तो क्या होएगा जब हम पूरे फैब्रिक को डाई करेंगे तो ग्राउंड के ऊपर तो हमारे रिएक्टिव डाई आ जाएगी लेकिन जो प्रिंट एरिया है उसमें वो रिएक्टिव डाई अप्लाई नहीं होगी तो इस तरीके से हमारा क्या एसिड ने क्या काम किया रेजिस्टिंग एजेंट का, का काम किया फॉर दी ग्राउंड आई मीन्स रिएक्टिव डी तो ये इस तरीके से हम आ, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चूजिंग ए रजिस्टिंग एजेंट कि हमें कौन सा केमिकल रजिस्टिंग एजेंट का काम देगा ठीक है तो यू गॉट दिस कि ऑपोजिट कंडीशन जो केमिकल क्रिएट करता है वो रजिस्टिंग एजेंट का काम करता है ठीक है अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेंटिंग अब इसमें कितने टाइप की कलर बना सकते हैं प्रिंट बना सकते हैं फर्स्ट इज़ वाइट रेजिस्ट प्रिंटिंग व्हेन वाइट प्रिंट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन कलर्ड ग्राउंड बाय यूजिंग रेजिस्ट प्रिंटिंग पेस्ट इट इज़ कॉल्ड वाइट रेजिस्ट प्रिंटिंग ठीक है जब हम केवल रेजिस्टिंग एजेंट ही डालते हैं थिकनर डालते हैं और कोई कलर और कलर नहीं डालते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा नेचुरल है ग्राउंड का कलर वहाँ प्रिंट एरिया में अप्लाई नहीं होगा उससे हमें वाइट प्रिंट मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड ए वाइट रजिस्ट प्रिंटिंग इसी तरीके से सेकेंड है कलर्ड रजिस्ट प्रिंटिंग ठीक है जैसे हमने डिस्चार्ज स्टाइल के केस में हमने पढ़ा था दो टाइप्स के वाइट डिस्चार्ज एंड कलर डिस्चार्ज ऐसे ही रजिस्ट के केस में भी दो ही होते हैं वाइट रजिस्ट प्रिंटिंग एंड कलर रजिस्ट प्रिंटिंग ठीक है सो व्हेन कलर्ड प्रिंट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंटली कलर्ड ग्राउंड माने ग्राउंड का कलर कुछ और होगा और उसके ऊपर जो प्रिंट बनेगा वो दूसरे कलर का बनेगा बाय यूजिंग ए रजिस्टिंग पेस्ट कंटेनिंग ए सुटेबल डाई अब हम उसमें जो पेस्ट हमने रजिस्टिंग पेस्ट बनाई है जो वाइट रजिस्ट पेस्ट बनाई है उसमें जो भी कंडीशन होगी उसमें जो डाई सुटेबल हम ऐड कर सकते हैं वो हम उसमें ऐड कर देंगे उससे हमें प्रिंट मिलेगा कलर्ड डाई अप्लाई हो जाएगी प्रिंट एरिया में सो इट इज़ कॉल्ड कलर्ड रजिस्ट प्रिंटिंग ठीक है तो अब ये रजिस्ट प्रिंट बनता कैसे है प्रोसीजर दिया है सिंपल छोटा सा आ, वी अप्लाई ए रजिस्टिंग केमिकल बाय प्रिंटिंग पेस्ट ठीक है ना हम उसकी एक पेस्ट बना लेते हैं मान लो केमिकल कोई भी हमने चूज किया जो रजिस्टरिंग एजेंट का, का काम करेगा उसकी हम क्या अप्लाई उसको कैसे फैब्रिक पे अप्लाई करेंगे उसको हम फैब्रिक फैब्रिक पे अप्लाई करेंगे बाय प्रिंटिंग मेथड और प्रिंटिंग कैसे होती है पेस्ट के जरिए तो हमने एक प्रिंटिंग पेस्ट में उस केमिकल को डाला दैट पेस्ट इज़ काल्ड एज रेजिस्टिंग पेस्ट ठीक है विद एनी वन ऑफ द मैथड्स कोई भी मैथड यूज कर लेंगे ब्लॉक स्क्रीन एक्सेट्रा फॉलोड बाय ड्राइंग उसके बाद सुखा लेंगे कपड़े को पार्शली एंड देन डाइंग विद द होल फैब्रिक विद ए सुटेबल डाई ठीक है ना विच इज़ काल्ड ए ग्राउंड डाई ठीक है तो हम पूरे फैब्रिक को बाद में जिस ग्राउंड कलर से हमने डाई करना है डाई से उससे डाई करेंगे तो इससे क्या होगा प्रिंट एरिया में क्योंकि हमने एक रेजिस्टिंग केमिकल अपोजिट केमिकल लगाया हुआ है तो प्रिंटेड एरिया हैविंग द रेजिस्टिंग केमिकल डज नॉट गेट डाइड वहाँ पर कलर वो अप्लाई नहीं होता वेयर एज ग्राउंड इज डाइड तो ग्राउंड अप्लाई हमारा डाई हो जाता है दिस गिव्स अस ए वाइट प्रिंटिंग इफेक्ट ऑन कलर्ड ग्राउंड ठीक है तो इसी को हम बोलते हैं रजिस्ट प्रिंटिंग दिस इज नोन एज रजिस्ट प्रिंटिंग ठीक है तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस uh, किया व्हाट इज़ द रजिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग और रजिस्टिंग का प्रिंसिपल क्या है बेसिकली कि अपोजिट कंडीशन जिस केमिकल से हम कर सकते हैं क्रिएट तो दैट क्रिएट्स ए रजिस्ट प्रिंटिंग इफेक्ट ठीक है सो यू नोट डाउन दिज नोट्स ट्राई टू राइट इट डाउन एंड अंडरस्टेंडिड इसको समझिए और इसको तैयार करें नेक्स्ट आई विल सेंड यू लेक्चर ऑन ऑल्सो नोट्स फॉर दी डिफरेंट डाइज के साथ हम कैसे रजिस्ट प्रिंट बना सकते हैं जैसे कि मान लो रिएक्टिव डाई है या नैप्थोल डाई है या वेट डाई है उनके साथ हम रजिस्ट प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं ठीक है थैंक यू